अवार्ड शो को लेकर अगर बात करें मैम, तो बहुत कम अवार्ड शो जो होते हैं वो पटना में होते हैं, पटना के बाहर ज़्यादातर हुए हैं, जबकि भोजपुरी का गढ़ बिहार को माना जाता है। इस तरह के आयोजन जो हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे क्यों नहीं, पर जब कहाँ कहाँ नहीं लड़ रहा है, जरूरी है बिहार, बिहार के बच्चे आजकल हाहाकार कर रहे हैं हर जगह, हर एरिया में, नॉट इवन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी अब्रॉड में भी लोग कर रहे हैं। बॉम्बे तो हमारा एक वो भी माँ है, वैसे हमारी माँ तो बिहार है, लेकिन कहते हैं माँ से एक हुआ, जैसा बिहार है, यूपी है, तो ऊपर से अब्रॉड में भी काफ़ी परचम लहरा रहा है। तो इस लाइक हमें बच्चे कहाँ कहाँ के कहाँ मतलब बोल पाला जिसका जम रहा है, वो हर एरिया में जमना चाहिए। मैम एक बार फिर से दोनों सुपरस्टार खिसाड़ी जी और पवन जी, एक बार फिर से एक सामना एक ही मंच पे होने वाला है, रितु सिंह का क्या रिएक्शन है? हार्ट बीट कुछ बढ़ रहा है क्या? I'm laughing, I'm very happy. मैं बार बार बोल रही हूँ कि फैमिली खिसाड़ी जी, पवन जी और दिनेश जी और रवि जी कोई अलग नहीं है, सब लोग भोजपुरी को यहाँ प्रेजेंट करने आए हैं। और कहा मैंने फिर से वही बात बोला कि भोजपुरी हमारी माँ है और हम एक बच्चे हैं उनके, और मैं क्या बोलूँ, बिकॉज खिसाड़ी जी मेरे सीनियर हैं, पवन जी तो बहुत सीनियर हैं, उनसे भी सीनियर दिनेश जी हैं, रवि जी भी आने वाले थे, तो इस लाइक वो सब बच्चे हैं और परिवार में खटपट होता रहता है। जो भी बातों का जो सिलसिला होता था वो कहीं ना कहीं थमने का नाम लेगा, एक नई सी मिठास आएगी। प्यार होना चाहिए, कलाकार को पहले हमें ज्ञान देना दिया जाता है कलाकार बनने से पहले, और इवन पहला क्लास यही होता है कि कलाकार वही अच्छा हो सकता है जो एक बेहतर इंसान हो। तो बेहतर इंसान ये दिख रहे हैं और काफ़ी लोग भी गलती से सीखते भी हैं, चाहे कि सारे जी हुए पवन जी, मैं अगर आप पूछते तो मैं बोलूँगी कि सबको सबके जीवन शैली में गलतियाँ हो रही हैं, सबके जीवन में फिर नहीं हो सकती, सब लोग सीख रहे हैं और सबके अंदर अभी ये सच्चाई हमारे ध्यान एज अ रिजल्ट पर कि यार इंसानियत होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं और ईश्वर सबका साथ तभी देते हैं जब वो सही। फिल्मों को लेकर कोई अपडेट मैम जो बहुत जल्द आने वाला है बॉक्स ऑफिस पर, कोई न्यू प्रोजेक्ट जो आने वाला है? Oh my God. पवन सिंह के साथ अभी हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ, रजनीश मिश्रा जी के साथ आप शूटिंग कर रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस पवन सिंह के साथ फिर से? पवन जी के साथ फिर से एक्सपीरियंस सेम रहा है, तो मैं सबको अपने सीनियर्स को ना समझ के गार्जियन मांगती हूँ, क्या कहेंगे अपने फैन से मिर्ची स्टाइल में, यानी फिल्मची स्टाइल में? तीखी बात नहीं, कुछ तीखी बात नहीं, मेरा मेरी तीखी बात आप कुछ पूछे नहीं, फटाक से निकल गए, बट अगर आप सब प्यार तो बस ये बोलूँगी कि फिल्मची भोजपुरी म्यूजिक अवार्ड हो रहा है तो ज़रूर देखें, और रितु सिंह अपनी बबली गर्ल को हमेशा प्यार ऐसे देते रहें, सारा मसाला चटपटा तीखा नमकीन लेके आने वाली है। एक फ्लाइंग किस मैम कैमरे पे, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू।